हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। दिल्ली से पठानकोट तक की जर्नी हमने उधम एक्सप्रेस में स्टार्ट कर दी है और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मनी महेश आप कैसे जा सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, कितना फेयर लगेगा एंड एवरीथिंग अबाउट इट। आप अपनी खुद की गाड़ी से भी जा सकते हो या दिल्ली से चंबा तक की बस ले सकते हो, लेकिन ये स्ट्रेट जर्नी 15 आवर्स की है। तो पठानकोट रेलवे स्टेशन से चंबा तक का टैक्सी बहुत ज़्यादा चार्ज करी थी, तो हमने सोचा बस स्टैंड तक ऑटो में जाते हैं, फिर देखते हैं टैक्सी बेटर रहेगी या बस। और हम प्राइस नेगोशिएट करके देख रहे हैं और फिर देखते हैं कितना बेटर है, तो जो सही होगा हम वो ऑप्ट करेंगे। पठानकोट से चंबा तक का रास्ता 3 घंटे का है और चंबा से आगे भरमौर 3.5 घंटे का, तो टोटल हमें 6.5 घंटे की जर्नी कवर करनी थी। टैक्सी वाले भैया 5500 में मान गए थे, तो हमें पठानकोट से भरमौर तक टैक्सी में जाना ज़्यादा फीजिबल लगा। मैं खा के बताता हूँ। पठानकोट से चंबा तक का रास्ता पूरा ग्लूमी था, हमें लग रहा था बारिश होगी, लेकिन चंबा एंटर करने के बाद मौसम काफ़ी साफ़ हो चुका था, सन भी निकल चुका था और काफ़ी बढ़िया हवा चल रही थी। चंबा से भरमौर तक का पूरा हाईवे का रास्ता है, लेकिन चंबा के रास्ते में कुछ कुछ पैचेस हैं ऐसे जो थोड़े ख़राब थे और जिनकी वजह से जाम लगा हुआ था। हमें भरमौर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी और हमारी पूरी जर्नी 7.5 घंटे की थी। भरमौर पहुंचते ही हमने होटल्स ढूंढना स्टार्ट करे, 2-3 ऑप्शंस देखे और फिर हमें ये 1500 का रूम मिल गया था। रूम इज बेसिक बट द व्यू फ्रॉम द रूम इज नॉट बेसिक। ये हमारी रूम की बालकनी से पूरा व्यू है। अब हम भरमानी माता मंदिर जा रहे हैं जो भरमौर से 30 मिनट का रास्ता है। टैक्सी आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करती है, तो हमारा आना जाना 800 रुपीज़ में हो गया था। ब्रह्मानी माता ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। माना जाता है कि यहाँ रहने से पहले 84 मंदिर में रहा करती थीं। एक दिन भगवान भोलेनाथ अपने 84 सिद्ध के साथ आए और यहाँ रात बिताने के लिए रुक गए। माता रानी जब अपने भ्रमण से लौटी तो 84 सिद्ध को देख के बहुत निराश हो गई थी। भगवान भोलेनाथ माता रानी के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, आप निराश ना हो, मेरे ये 84 सिद्ध केवल एक रात के लिए यहाँ रुकेंगे। सुबह होने पर माता रानी ने देखा कि वो 84 सिद्ध 84 शिवलिंग में कन्वर्ट हो चुके थे। माता रानी के क्रोधित होने पर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अब ये स्थान 84 मंदिर के नाम से जाना जाएगा, आप किसी दूसरी जगह चली जाएं। उन्होंने माता रानी को वरदान दिया कि आज के बाद कोई भी भक्त 84 धाम या मनी महेश की यात्रा के लिए आएगा तो सबसे पहले माता ब्रह्मानी के दर्शन करेगा, तभी उनकी यात्रा सम्पूर्ण मानी जाएगी। मंदिर से वापस आने के बाद हम लोगों ने डिनर किया और अगले दिन के लिए प्रिपरेशन की कि हम पहले 84 टेम्पल जाएंगे, फिर उसके बाद अपनी मनी महेश की यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो सुबह थोड़ा वेदर क्लियर था और हम लोग निकल गए थे 84 मंदिर की तरफ जाने के लिए। ये सारा आसपास का लोकल मार्केट है और हमारे होटल से सीधा रास्ता 84 टेम्पल की तरफ जाता है और ये 84 टेम्पल का एंट्रेंस है। 84 मंदिर 1400 वर्ष पुराना है और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे 84 सिद्ध आए थे जो सुबह होने पर 84 शिवलिंग में कन्वर्ट हो चुके थे। इन्हीं शिवलिंग पर आधारित 84 मंदिर बने हुए हैं जिनके कारण इनका नाम पड़ा। ये चित्रगुप्त जी का शिवलिंग है जो हमारे गुड और ईविल डीड्स के बारे में लिखते हैं। लॉर्ड नारसिम्हा लॉर्ड विष्णु जी का इनकार्नेशन है। इनके टेम्पल आप कोई भी लेदर चीज पहन के नहीं जा सकते, ये हाफ मैन और हाफ लायन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे यहाँ पे तरह तरह के मंदिर बने हुए हैं शिवलिंग के ऊपर। हमने अपने ट्रैक की शुरुआत कर दी है, अभी हम भरमौर से हदसर तक जा रहे हैं टैक्सी में, फिर उसके आगे से हमारा सारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। भरमौर से हदसर 10 किलोमीटर का रास्ता है, जो जाम ना मिले तो आप आधे घंटे में कवर कर सकते हो। तो ये मनी महेश का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है। तो हम भरमौर से हदसर पहुँच गए हैं। हदसर पहुँचने के लिए आप अपनी पर्सनल टैक्सी भी कर आ सकते हो, जो आपको 700 to 800 के बीच में पड़ेगी, या फिर सोमो ट्रैवलर्स दे विल चार्ज यू 100 रुपीज़ पर पर्सन। लेकिन अगर आप बड़े टैक्सी ट्रैवलर्स में आओगे तो आपको 80 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा। 50 रुपये 30 इसकी कमीशन है। नो और हम उसी पे आए हैं। मैंने
गॉड बहुत गर्मी हो रही है और अभी तक बस 2 किलोमीटर ही कवर हुआ है। तो ये ट्रैक टोटल 16 किलोमीटर्स का है जिसमें से वी हैव जस्ट कवर 2 किलोमीटर्स फॉर नाउ। पुराना रास्ता 13 किलोमीटर का था जो बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया। अब जो नया रास्ता बना है वो 16 किलोमीटर्स का है वन वे। ट्रैक इतना मुश्किल नहीं है, बस ज़्यादातर चढ़ाई है जिसकी वजह से सांस फूल रही थी। बहुत कम पैचेस थे जो हमें डाउन हिल के मिले थे। थोड़ा सा पास पहुंच गए और अब हमको ये ब्रिज क्रॉस करना है। ये थैंक यू, अब मेरे पास नहीं है पैसे। हम लोग हटसर से धनचो पहुंच गए हैं। धनचो इज लाइक 5 किलोमीटर्स फ्रॉम हटसर और ये भी आधे से थोड़ा सा ही कम हुआ है। अभी हमें 5 किलोमीटर्स और ट्रैक करना है और शाम के 5 बज गए हैं। सो लेट्स सी अभी हम बीच में हॉल्ट करेंगे या पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वन गो में ट्रैक नहीं करना है तो टेंट्स की फैसिलिटी है। आपको 150 से 350 के बीच में चार्ज करेंगे और ब्लैंकेट्स भी देंगे और खाने की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर 2-3 किलोमीटर्स में ही इन लोगों ने लंगर की सेवा लगा रखी है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। चलते चलते थोड़ी शाम हो गई थी और सनसेट भी आप देख सकते हो कितना अच्छा हो रहा था। शाम के 7 बज चुके हैं और सनसेट भी हो चुका है लेकिन हमने अभी तक सिर्फ 8 किलोमीटर्स ही डिस्टेंस कवर किया है। तो हम अभी तक चल रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। वहाँ नीचे से आए हैं हम लोग। धनचो से शिव घाटी तक का जो पैच है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है और पूरे रास्ते में पत्थर भी निकले हुए थे, इसलिए हमने सोचा कि हम ओवरनाइट स्टे कर लेते हैं टेंट्स में। जो हमने पर्सनल टेंट लिए थे वो हमें 800 रुपीज़ का एक टेंट पड़ा था। अभी रात के 10:30 हो रहे हैं और हमें आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर लिया लेकिन हम ऊपर तक नहीं पहुँचे बिकॉज बहुत ठंड हो रही थी और हम बहुत थक गए थे। तो हमने यहीं पे टेंट लिया है, आज की नाइट हम यहीं पे स्पेंड करेंगे और स्टार गेजिंग भी करेंगे क्योंकि बाहर बहुत ही ब्यूटीफुल स्काई हो रहा है। फर्स्ट टाइम इन द टेंट, इसकी लेग्स भी पूरी नहीं आ रही बिकॉज ही इज सो टॉल, बट आई एम श्योर यू लाइक इट। तो सुबह होते ही अराउंड 6:30 हमने अपना ट्रैक वापस स्टार्ट कर दिया था और यहाँ से रास्ता और ब्यूटीफुल होता जा रहा था। वहाँ जाना है यहाँ कॉरिकन पानी एंड चावल, पहाड़ी फूड। हाउज इट, बढ़िया। खिलाओ एक मुझे भी। ओम नमः शिवाय। हम लोग गौरीकुंड पहुंच गए हैं। ये सेकंड लास्ट पैच है मनी महेश से पहले। गौरीकुंड से कैलाश पर्वत के साफ दर्शन होते हैं और जितनी भी लड़कियां हैं वो यहाँ पे स्नान कर सकती हैं। अंदर जाके स्नान करने की जगह पूरी बनी हुई है। अगर आप चॉपर से आते हैं तो भरमौर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपको गौरीकुंड में आके ड्रॉप करता है। 4,500 इसका वन वे का टिकट है। तो फाइनली हमने मनी महेश तक की चढ़ाई पूरी कर ली है। मनी महेश कैलाश को चंबा कैलाश भी कहा जाता है और ये जो सरोवर आप देख रहे हो इसको डल लेक सरोवर भी कहते हैं। इसकी हाइट 4,080 मीटर्स होगी विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 13,886 फीट। ऐसा माना जाता है शिवजी जी ने पार्वती माता से शादी करने के बाद मनी महेश को क्रिएट किया था। मनी महेश की यात्रा जन्माष्टमी वाले दिन स्टार्ट होती है जिस दिन छोटा स्नान होता है और ये राधाष्टमी वाले दिन ख़त्म होती है जिस दिन बड़ा स्नान होता है। हाँ जी, मज़ा आएगा ठंडे पानी में नहाने में आपको। ऊपर स्नान करने के लिए लड़कों की जगह अलग है और लड़कियों की जगह अलग है, लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है आप किसी भी पवित्र जगह पे जाएं, चाहे नॉर्मल किसी भी पार्ट हिमाचल में जाएं, प्लीज़ उसको साफ रखिए, ऊपर गंदगी ना मचाएं। हमारी पूरी यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए, लेकिन अगली बार कोशिश रहेगी कि हम जल्दी पहुँच जाएँ और सनराइज़ के टाइम पर यहाँ के दर्शन कर लें।